हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बैकग्राम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो एचएफ डिलक्स वेस हीरो स्प्लेंडर प्लस, इन दोनों बाइकों का डिटेल्स कंपैरिजन होने वाला है। और दोनों जो मोटरसाइकिल है दोस्तों 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। एचएफ डिलक्स 2023 मॉडल E20 वाला मॉडल है और स्प्लेंडर प्लस 2023 मॉडल E20 वाला मॉडल है। और ये i3s वाला टॉप वेरिएंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचएफ डिलक्स, क्योंकि कई सारे लोगों की कमेंट्स आ रही भाई कि एचएफ डिलक्स की i3s वाली E20 का वीडियो लाइए। देखिए, सबसे पहले आप दोनों मोटरसाइकिल को सामने से देख सकते हैं, इस तरह से दिखेगी। अब अगर सामने आप देखोगे तो भाई इसमें आपको 35 वाट का हैलोजन बल्ब मिलेगा। एच का यहाँ पे 3D वाला सिर्फ इस तरह से लोगों मिलेगा। और साइड पर एक नया ग्राफिक अब आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको इसमें जो ग्राफिक्स है वो बदल दिए हैं, एकदम नया मॉडल का ग्राफिक आपको मिलेगा, इस तरह से देख सकते हैं आप। और ट्रांसपेरेंट ग्लास पर यहाँ पर आपको बल्ब वाला इंडिकेटर मिल जाएगा। और यहाँ पर भाई आपको मिलेगा पन्नी वाला नॉर्मल सा स्टिकर, हीरो स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ। 35 वाट हैलोजन बल्ब, सिंगल पाइल लाइट मिलेगा और इंडिकेटर आपको इस तरह से मिलेगा, इसमें आपको येलो ग्लास रहेगा। और साइड पे नया ग्राफिक, नया स्टिकर मिलेगा, बाकी ब्लैक कलर का पूरा वाइजर रहेगा। यहाँ पे नंबर प्लेट आएगा, यहाँ पे लोहे पर दे गया है, यहाँ पर भी आपको लोहे पर ही नंबर प्लेट आएगा। इस साइड से भी आप पूरा लुक दे सकते हैं। अब दोनों बाइक में अगर आप देखेंगे भाई तो एचएफ डिलक्स का ये चीज़ जो है थोड़ा सा चौड़ा आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है मडगार्ड, जो कि इस तरह से मडगार्ड दिया गया है। इसके मडगार्ड जो है यहाँ पर देखेंगे भाई तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा और लंबा चौड़ा मडगार्ड भी ठीक ठाक मिल जाता है। और इसका जो सेप है वो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इसका जो मडगार्ड है वो दूसरी तरह से, इसमें देख सकते हैं सीधा सीधा सिंपल सा रिफ्लेक्टर तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सीधा रहेगा। यहाँ पर इसमें आपको डिज़ाइन मिल जाता है, इस तरह से आप देख सकते हो, ये लुक रहेगा, ये फ़र्क है। बाकी दोनों बाइकों का जो टायर है वो आप सेम मिलेगा, यानी कि इसमें जो है एचएफ डिलक्स में इसमें आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूब वाला टायर है और इसमें आपको मिलता है ट्यूबलेस टायर 818 का। बाकी सेम अलॉय व्हील, साकर और ये सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम मिल जाती है, यानी 18 इंच की दोनों अलॉय व्हील है। 130 mm ड्रम ब्रेक, टेलीस्कोपिक साकर, ये चीज़ सेम है, बस इसमें आपको ट्यूब वाला टायर मिलेगा एचएफ डिलक्स में और इसमें आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर। अब उसके बाद हैंडल बार पर भी देख सकते हैं, सेम हैंडल बार, सेम सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम मिल जाएगा, बस आप i3s लेंगे तो यहाँ पर i3s रहेगा और ये i3s नहीं है तो इसमें सिर्फ i3s वाली बटन नहीं है, बस इतना फ़र्क मिलेगा। अब यहाँ पे भाई सबसे इम्पोर्टेंट है फ्यूल टैंक। अब इसका जो फ्यूल टैंक है यहाँ पे आपको हीरो का लोगो इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे ग्राफिक और स्टिकर मिल जाएंगे ब्लू कलर के, इस तरह से देख सकते हैं। पूरी ब्लैक कलर की टंकी रहेगी, E20 वाला मॉडल मिलेगा और इसमें डबल यहाँ पर फ्यूल टैंक का कह दिया गया, एक ही है इसके अंदर, एक है 10 लीटर आएगा इसमें पेट्रोला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एचएफ डिलक्स हीरो का ब्रांडिंग और इस तरह से आपको नया ग्राफिक, नया कलर, E20 लिखा हुआ। ये रहा सिंगल फ्यूल टैंक का कह पाता, ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी देता है। 9.5 लीटर इसमें पेट्रोल आएगा, लगभग दोनों में 10 ही 10 आ जाएगा। सेल्फ स्टार्टर, हाई लिविंग ट्रस्ट सिग्नल, हारन, यहाँ पे पासिंग, FI, न्यूट्रल और यहाँ पर साइड स्टैंड इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते इसका बैटरी ख़त्म हो गया है i3s, यहाँ पर साइड स्टैंड, यहाँ पर FI लाइट, यहाँ पर इंडिकेटर का, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हीरो का देखिए हैंडल बार इस तरह से रहेगा एचएफ डिलक्स में और इसमें आपको सादा रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फर्क। और यहाँ पे आपका सेल्फ स्टार्टर, बाकी सब कुछ आपको सही मिलेगा, i3s लेगा तो i3s लेगा, बाकी सब कुछ आपका फ्यूल बताने वाला, यहाँ पर आपका पेट्रोल वाला, ये सारी चीज़ें स्पीड वाला सब आपको ऊपर बताया गया। पर मोबाइल चार्जिंग आपको मिल जाएगा अभी, लेकिन एचएफ डिलक्स में चार्जिंग पॉइंट नहीं आया है, बस इतना फ़र्क है। इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग नहीं मिलेगा और इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग मिल जाएगा। अब उसके बाद सीट की हम बात करें, फिर इंजन पर चलते हैं। सीट आपको स्प्लेंडर प्लस की इस तरह से मिलेगी, देख सकते हैं आप इसका सीट। और ये है एचएफ डिलक्स की, एचएफ डिलक्स की सीट स्प्लेंडर प्लस से लंबी चौड़ी मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी बड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लंबा चौड़ा दोनों चीज़ है सीट इसका उससे। अब इंजन पर बात करते हैं तो यहाँ पर पावर स्टार्ट FI की ब्रांडिंग इस तरह से आपको मिलेगा, वहाँ पे इस तरह से मिलेगा। अब इसका जो इंजन है दोनों का, ये सेम टू सेम इंजन है, 97.2 cc सिंगल सिलेंडर OSC एयर कूल, 4 स्ट्रोक, 8000 rpm पावर, 5500 टार, अब 4 गियर चारों पीछे लगेंगे, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन फीचर, E20 फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले। अब दोनों का लेग गार्ड भी सेम टू सेम मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील वाला लेग गार्ड मिलेगा। इंजन इस साइड से भी आप देख सकते हो और ये रहा इसका भी लेग गार्ड, इंजन आप इस साइड से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मॉडल का और बनावट का फ़र्क यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बस यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका इंजन इस तरह से रहेगा। किक स्वल्फ दोनों में स्टार्टर मिल जाएगा और ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका जो है ये पावर स्टार्ट FI प्रोग्राम, इसका टूल बॉक्स इस तरह से रहेगा, उसमें आपको इस तरह से मिल जाएगा। साइड पे एचएफ डिलक्स i3s की ब्रांडिंग इस तरह से रहेगा। साइड का जो पैनल है इसका पैनल इस तरह से आपको साइड पे मिलेगा। स्प्लेंडर प्लस नया ग्राफिक, नया स्टिकर, ये स्प्लेंडर
प्लस में आपको मिलेगा। बाकी ब्रेक लेवर भी दोनों गाड़ियों का सेम दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं गार्ड है, वहाँ पर भी आपको उस तरह से गार्ड मिल जाएगा, ठीक है। साइलेंसर दोनों गाड़ियों का सेम है, आप देख सकते हो उसमें पत्ती बंधी है, इसमें नहीं बंधी है, बस इतना फ़र्क है। और पीछे का जो साकर है भाई, ये बदला हुआ है, इसमें आपको मिलेगा 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन, इसमें आपको मिलता है 3-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन। पीछे 130mm का दोनों में ड्रम ब्रेक सेम जो है, अलॉय व्हील सेम सब चीज़, बस इसमें आपको ट्यूब वाला टायर मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। अब पीछे के पैनल पर यहाँ पर इस तरह से नया ग्राफिक आपको देखने को मिलेगा एचएफ डीलक्स में, और इसमें आपको भाई नया ग्राफिक इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से रहेगा। इसका कैरियल आपको इस तरह से मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया कैरियल है, स्प्लेंडर इसी से पहचानी जाती है। और एचएफ डीलक्स में आपको एलुमिनियम वाला इस तरह से मिलता है, काफ़ी अच्छा ग्रेविल इस तरह से आप देख सकते हैं। अब भाई सबसे जो बड़ा बदलाव है वो है, इसमें आपको पूरा फुल फाइबर का चैन कवर मिलता है, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको मिलता है लोहे का चैन कवर, फुल चैन कवर लोहे का आपको मिलेगा, फोटेस आपको दोनों में फ्लेक्सिबल, सारी गार्ड सेम टू सेम मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस साइड से भी आप गाड़ी का लुक पूरा देख सकते हो। अब पीछे आ जाइए तो पीछे की जो टेल लाइट है भाई, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है, प्रीमियम क्वालिटी में इस तरह से, और इसमें आपको इस तरह से मिलेगा दोनों का टेल लाइट आप देख सकते हैं, फेंडर टेल लाइट, यहाँ पर आपको ये नंबर प्लेट जो है पत्ती पर लगेगा, इस तरह से दिया गया है, इसमें आपका ये फेंडर पर ही लगेगा, यानी कि इसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा टूटने पे, इसमें आपका पत्ती ही बदल जाएगा, काम हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल पूरा लुक दोनों गाड़ियों का दे सकते हैं। तो बाकी दोनों बाइकों में आपको कौन सी पसंद आई भाई कमेंट में बताओ। तो कम बजट में 80,000 रुपये में आपको ये मिल रही है, ये 81,000 में है क्योंकि i3s है, ये आपको पड़ेगी 89,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में स्प्लेंडर, तो लगभग 7-8,000 रुपये का फ़र्क आपको मिलेगा इन दोनों मोटरसाइकिल में। तो आप बताओ भाई आपको कौन सी पसंद आई, बट यहाँ पर प्राइस का भी फ़र्क है, मॉडल और डिज़ाइन का भी फ़र्क आपको सारी चीज़ें मिल ही रहा है। तो दोनों बाइकें अपने अपने स्थान पर बढ़िया है, ठीक है, और मेरे ख्याल से कम बजट में एचएफ डीलक्स आपके लिए बढ़िया होगी। लंबी सीट अगर फैमिली लंबी है तो आपके लिए एचएफ डीलक्स अच्छी है, और सिंगल एक दो लोग को चलना है तो स्प्लेंडर प्लस आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।